हल्द्वानी में सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्र छात्राओं को आधुनिक शिक्षा की जानकारी देने के लिए 108 बाबा हीड़ाखान राजकीय इंटर कॉलेज कटघरिया में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने डिजिटल क्लासरूम का शुभारंभ किया। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों सहित स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि जिस प्रकार से पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को आधुनिक किया है और सभी सरकारी विद्यालय में आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इतने संसाधन मुहैया होंगे अभी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन CSR फंड से इसमें केंद्रीय सहायता भी मिलेगी और प्रदेश भी कुछ कोशिश करेगा कि इसमें भी दें, लेकिन बच्चों को एक डिजिटल क्षेत्र में एक नई दिशा मिलेगी। मैं हमारे यहाँ पर ये जो सेवा आज प्रदान की जा रही है ये HP के माध्यम से हमको एक स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराया गया है जिसमें 9 कंप्यूटर, उसके अलावा एक वाइट बोर्ड, एक एंड्रॉयड TV जिसके माध्यम से ई कंटेंट हम बच्चों को खुद भी डेवलप करेंगे और ई कंटेंट के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन सुनिश्चित कराएंगे। इसमें 1 से 5 तक के बच्चों को अलग से सिखाया जाएगा कैसे कंप्यूटर खोलते हैं, कैसे उसको उसका संचालन करते हैं, और इससे फिर उसके बाद आगे की कक्षाओं के लिए 12 तक की कक्षाओं के लिए पूरी नॉलेज दी जाएगी। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें करंट चीज़ें होती हैं तो सारी चीज़ों की जानकारी अपने बच्चों को दी जाएगी, जिससे कि हमारे बच्चे पूरे देश भर के बहुत ही जो उन्नत विद्यालय हैं उनके बराबर टक्कर ले सकें।